करबला वाले शहीदों के जो रोए गम में उसको सरकार हर एक गम से बचा लेते हैं, उसको सरकार हर एक गम से बचा लेते हैं, उसको सरकार और क्या शान है सरकार की सुभान अल्लाह, क्या शान है सरकार की सुभान अल्लाह, क्योंकि वो तो उजड़े हुए गुलशन को बसा देते हैं, ये नवा है के महफिल में बुला लेते हैं, ये नवाजिश है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये नवाजिश है कि वो महफिल में बुला लेते हैं। और यकीन कीजिए कि हम खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं कि हमें जब भी कोई मुश्किल पड़ती है हम करीम आका को सदा देते हैं और हजूर करम फरमा देते हैं। ये हम पे इतना करम है, इतना फजल है रब्बुल आलमीन का, और उस रब्बुल आलमीन ने हमें ये तोहफा जो रमज़ान दिया है, इस रमज़ानुल मुबारक के इस खूबसूरत दिनों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे काम जिस पर मेरा रब राज़ी नहीं है वो मत करें, ऐसे काम जिससे मेरा मालिक मना करता है उससे रुक जाएं। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूरी करना चाहूँगा कि अगर जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, अल्लाह करीम इस रमज़ान मुबारक के सद के सब की बीमारियों में शफा अता फरमाए, अगर कोई बीमार है तो सबको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, अगर कोई बीमार हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे चंद चीज़ों से मना कर देता है कि तुमने ये नहीं खाना, छोटा गोश्त नहीं खाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना, नमक नहीं खाना, मिठाई नहीं खानी, अब जब इन चीज़ों से मना करता है डॉक्टर तो इंसान वो चीज़ों से डॉक्टर के कहने से मना हो जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि मेरा रब ऐसी चीज़ों से मना करता है, ये वो चीज़ें हैं जो हलाल है और डॉक्टर के कहने से आप उन चीज़ों को मना रोक देते हैं, हट जाते हैं उस चीज़ों से, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह करीम का नाफरमानी करते हैं, आप रिश्वत खाते हैं, हराम चीज़ें खाते हैं, जिस जिस चीज़ों से मना किया होता है रब ने वो आप करते हैं। ज़रा सोचिए अगर एक डॉक्टर के कहने से आप हलाल चीज़ छोड़ देते हैं और मेरे रब के कहने से आप हराम चीज़ को नहीं छोड़ते। इस रमज़ानुल मुबारक में ये इरादा करें, ये तहिया करें कि इंशाल्लाह हम ऐसी चीज़ों से सारी ज़िंदगी के लिए मना हो जाएंगे। कोशिश कीजिए खुद को सवारें, आज शब जुमा है और शब जुमा की फजीलत सुभान अल्लाह, और वो भी रमज़ानुल मुबारक में, ये बाकी जुमों से भी सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कोशिश कीजिए इस रमज़ान मुबारक के इस खूबसूरत जुमा के मौके पर एक इरादा करें दिल में कि इंशाल्लाह हम अच्छा बनेंगे और अच्छा बन के दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात की ज़ुल्फ़िकार भाई आपने, बहुत अच्छी बात की कि जब हम दुनियावी चीज़ें लोगों की बातें इतनी मानते हैं, हालांकि वो थोड़े काम के लिए होती हैं, कुछ थोड़ी सी काम आ जाती है, पर अल्लाह की कही हुई बातें अगर उन पे अमल करेंगे, उन चीज़ों पे, उन बातों पे अगर आप अमल करेंगे तो वो आपकी आखरत सवर जाएगी। जब आपकी आखरत सवर जाएगी तो आपको दुनिया की ये सब चीज़ें जब बेमायने लगेंगी। बस यही कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें सब इधर रह जाएगा, सब कुछ इधर रह जाएगा, अगर कुछ जाएगा
आपके साथ, तो वो सिर्फ आपके अमाल होंगे। वही बात है ज़ुल्फ़िकार भाई के, जैसे हम लोग सब कुछ तो करते हैं रमज़ान में, लेकिन क्या नहीं करते हम लोग, इखलाक नहीं अच्छे करते हम लोग। रोज़ा रख के हम लोग इतने हाइपर हो जाते हैं, हम किसी शॉप पे जाते हैं सामान लेने, तो हम उन लोगों से, मुलाजमों से इतनी बदतमीज़ी कर देते हैं, और ये नहीं सोचते कि हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा। इखलाक हम बेहतर नहीं करते हैं, हम अपना रोज़ा बर्दाश्त करते। और ऐसा भी है, जब कभी हम ज़्यादा हाइपर होते हैं, कभी आगे दुकानदार भी ऐसा होता है कि वो भी ज़्यादा हाइपर हो जाता है, लेकिन इस मौका पर टॉलरेंस इस्तेमाल करना चाहिए, सब्र तहम्मुल मिज़ाजी करनी चाहिए। नहीं देखते ना बिल्कुल भी कि वो भी एक दुकानदार है या वो भी मुलाजिम कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, वो भी 12-24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, लेकिन हम लोग उससे हार जा के बात कर लेते हैं। लेकिन बात वही है कि इंसान को चाहिए कि अगर हम लोग रोज़ा रख रहे हैं तो हम उसके साथ साथ उसके फ़राइज़ भी अंजाम दें, और हम अपने इखलाक को बेहतर करने की कोशिश करें। मुंह बंद करके रहने तो क्या फ़ायदा उस रोज़े का। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। और आज शबे जुमा है, हमारे साथ अलामा मोहम्मद काशिफ अली अवैसी आस्थान अलिया भट्टी के शरीफ वज़ीराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और आज शबे जुमा है, तो शबे जुमा की फजीलत के बारे में आप हमें कुछ बताएँ। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم। سب سے پہلے میں رائل نیوز والوں کا اور خصوصا الحاج محمد ذوالفقار کمل فریدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں कि जिन्होंने एक मरतबा फिर मुझे ये मौका बख्शा, ये सआदत बख्शी कि रमज़ान की बाबरकत घड़ियों में, रमज़ान के बाबरकत लम्हात में, सहरी ट्रांसमिशन में मुझे कुछ चंद लम्हात गुफ्तगू करने का इन्होंने मौका दिया। रब्बुल जलाल हमारे इस चैनल वालों को, इस चैनल के मालकान को और जितने भी ये होस्ट हैं, मेहमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहब की उम्रों में बरकत देता फरमाए। ये जो मुझसे इन्होंने सवाल किया शबे जुम्मा के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। मुसलमानों के लिए ये ईद का दिन है। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन मुझ मोहम्मद पर कसरत से दुरूद पढ़ो। मुझ मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दरूद पढ़ो। इमामुल अंबिया की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह इसकी वजह, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुझ पर कसरत से दरूद व सलाम जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ेगा, मैं मोहम्मद उसके अपने कानों से उसके दरूद को समाप्त करता हूँ। और हमारा अकीदा भी यही है कि हुजूर हाजिर भी है, हुजूर नाजर भी है। और इस हदीस से ये बात वाजिया हो रही है, फरमाने मुस्तफ़ा झूठा नहीं सच्चा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मोहम्मद अपने कानों से समात करता हूँ। और किबला ज़ुल्फ़िकार भाई और इमरान हसन कादरी साहब तशरीफ फरमा है, कानों से वही समात करता है जो करीब होता है, जो करीब होता है। और रब्बुल जलाल फरमाता है नहनु अक़रबु इलैही मिन हब्लिल वरीद, ऐ बंदो के मैं तुम्हारी शारक के करीब। यह रब्बुल जलाल फरमा रहे कि मैं तेरी शारक के करीब। अब रब एक है जो हर बंदे की शारक के करीब है, अमीर है, गरीब है, यतीम है, मस्कीन है, लवारिस है, अदना है, आला है, कोई भी है, रब्बुल जलाल उसकी शारक से भी ज्यादा करीब है। और हम सुनियों का अकीदा यह है कि अल्लाह हर बंदे की शारक के करीब है, हुजूर हम सुनियों के जानों से भी ज्यादा करीब है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जुम्मतुल मुबारक के दिन सबसे पहले ईदगाह या जहाँ इज्तमा हो जुम्मतुल मुबारक का, मस्जिद में नमाज की तरफ आए, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब्बुल जलाल उसे एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दूसरे नंबर पे कोई आए, सरकार ने फरमाया गाय की कुर्बानी का सवाब। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुम्बे की कुर्बानी का सवाब। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मुर्गी ज़िबा करने का, सदका करने का सवाब। और नबी अलैहिस्सलाम ये तफसील बताते जा रहे हैं, तो इमाम अल-अंबिया फरमाते अगर लोगों को पता चल जाए कि जुम्मतुल मुबारक की फजीलत क्या है, तो लोग आपस में झगड़ा करें, कोई कहे कि मैं पहले जाऊंगा, कोई कहे कि मैं पहले जाऊंगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जुम्मतुल मुबारक के दिन अपने घर बार को छोड़कर गुसल करता है, नया लिबास पहनता है, खुशबू लगाता है,
गुसल करना भी जुम्मतुल मुबारक के दिन फ़र्ज़ है, नया लिबास पहनना भी ये भी फ़र्ज़ है, खुशबू लगाना भी फ़र्ज़ है। और इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जब इंसान अपने घर से चलता है और जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा करने के लिए जितने कदम चल के आता है, रब्बे जुल जलाल उसे 10 नेकियों का सवाब अता करता है। ये तो जुल्फकार भाई पूरे साल की बात है, लेकिन ये तो रमजान का महीना है, इसमें एक नेकी का बदला रब्बे जुल जलाल 70 नेकियों का सवाब अता कर रहा है। तो पता ये चला कि पूरे साल में एक नेकी का बदला 10 नेकियां हैं, रमजान शरीफ में एक नेकी का बदला 70 नेकियां हैं। और रब्बे जुल जलाल हम सबको नेकियों की नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में अलामा साहब ने ये बताया है कि ये रमज़ान मुबारक का ये जो जुमा है इसकी फजीलत कितनी बुलंद है। और कितनी खूबसूरत बात की है कि जुमा की तैयारी जो करके सबसे पहले मस्जिद में जाएगा उसको बिल तरतीब कितना बड़ा सवाब है। पहले ऊँट का सवाब होगा ज़िबा करने का, उसके बाद गाय का है, फिर दुम्बे का है, ये कितनी खूबसूरत बात है और कितना अजर और सवाब है। अल्लाह करीम हमें बाकायदगी से नमाज पढ़ने की ताकत अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए। और इस जुमा के मौके पर कोशिश कीजिए कि टाइम से आप तैयार हों, खुशबू लगाएं, अच्छा लिबास पहने और मस्जिद में जाएं। हमारे साथ एक और बड़े खूबसूरत सनाख्वान हैं, छोटे नन्हे सनाख्वान हैं, क्या नाम है हमारे छोटे? हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला इरफान, बहुत ही प्यारे अब्दुल्ला इरफान साहब, आपसे गुजारिश है कि आप हदिया कलाम पेश करें। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मुहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बया हो किससे, अहसन का तेरी
अजमत वा अकमल का तेरी अजमत, तेरी जात में गुम है खुदाई या मुहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर जुम्मे के रोज दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा जिक्र है कि सिर्फ ये नहीं कि जुम्मतुल मुबारक के दिन, दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, ऐसा जिक्र है, ये जब भी पढ़ा जाए, सुबह पढ़ा जाए, दोपहर पढ़ा जाए, शाम पढ़ा जाए, ये उसी वक्त दुरूद शरीफ कबूल हो जाता है। बाकी इबादत का मुफसरीन इकराम फरमाते हैं कि वह रब्बुल जलाल कबूल करे ना करे ये उसकी मर्ज़ी है। इंसान दिन में 5 नमाज़ें पढ़ता है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, आगे तहज्जुद भी है, शराक भी है, अबाबील भी है, वो दूसरी इबादत करता है, वो रब्बुल जलाल कबूल करे या ना करे ये उसकी मर्जी है। लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसा जिक्र है, रब्बुल जलाल 22वें पारे में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। रब्बुल जलाल फरमाता है, बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम मेरे नबी पे दरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। पता ही ये चला कि जो दरूद शरीफ पढ़ता है वो दरूद शरीफ जिस वक्त भी पढ़ा जाए रब्बुल जलाल उसी वक्त कबूल फरमा लेता है। सुभान सुभान सुभान, कितनी दरूद पाक की फजीलत है, क्या बात है। और जुमा मुबारक का दिन है और जुमा मुबारक में अगर सारी रात और दिन असर तक जो फरमाया कि दुरूद पाक मेरे आका करीम खुद समाअत फरमा रहे होते हैं, सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत आपने दुरूद पाक के बारे में फरमाया। और मैं एक ख़ास बात करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इबादत जितनी आप कर लें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में, ख़ास तौर पर अगर अहले बैत से आपकी मोहब्बत है तो ये इसी तरह है जैसे सोने पे सुहागे के माने। तो मैं अलावा साहब इसी टॉपिक के जुमा के साथ साथ हम अहले बैत की शान के हवाले से भी आपसे गुजारिश करते हैं कि अहले बैत की शान की फजीलत बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। रब्बुल जलाल फरमाता है कि महबूब ऐलान फरमा दो कि अल्लाह यही चाहता है कि नबी के घर वालों तुम से हर नापाकी को दूर रखे और तुम्हें पाक और सुथरा कर दे। और नबी अलैहिस्सलाम को रब्बुल जलाल फरमाता है, कुल ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब ऐलान फरमा दो कि मैं तुम में से कोई और उजरत नहीं मांगता, जो कुछ भी है मैं किसी काम की उजरत नहीं मांगता, मैं सिर्फ ये मांगता हूँ कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला वमन मात अला हुब्बि आली मुहम्मदिन मात मोमिनन। सरकार फरमाते हैं, जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया वो मोमिन होके मरा है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अला वमन मात अला बुग्दि आली मुहम्मदिन मात काफिरन। जो मेरी आल की दुश्मनी में मर गया वो काफिर होके मरा है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये अहले बैत की शान सैयदे कायनात हो, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमुल्ला वजहुल करीम की ज़ात गिरामी हो, इमाम हसन मुश्तबा हो, इमाम हुसैन पाक हो, हर का एक मकाम अपनी तरफ है। और नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ में जलवागर है, सैयदे कायनात तशरीफ लाती हैं और नबी अलैहिस्सलाम अपने दाएं तरफ से अपनी मुसम्मल की चादर को हटाकर बाजू को फैलाते हैं और सैयदे कायनात को साथ बिठाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को समेट लिया। थोड़ी देर के बाद हजरत अली पाक तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया ने बाएं तरफ से चादर को फैलाया, हजरत अली पाक को बिठाया और चादर को समेट लिया। थोड़ी देर के बाद इमाम हसन मुश्तबा आए, इमामुल अंबिया ने इमाम हसन मुश्तबा को अपने दाएं कंधे पर, दाएं घुटने पर बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन पाक आए,
हुजूर ने बाएं घुटने पर बिठा दिया और इमाम अलंबिया करीम आका ने जब इन चारों को बिठा दिया तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज की है मौला ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरी अहले बैत है। तो रब्बे जुल जलाल जबरील को हुक्म फरमाता है और जबरील जमीन पे देख रहे हो, जबरील सिदरा से देख रहा है तो अर्ज करता है मौला तेरा नबी बैठा है, तेरे नबी के घर वाले बैठे हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी की जबान से निकला है ये मेरे घर वाले हैं, जा कुरान ले जा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिसालल बैदी व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयते तत्हीर जनाबे पाक बतूल की शान में, जनाबे अलीउल मुर्तजा की शान में, जनाबे हसन मुज्तबा की शान में, जनाबे हुसैन करीम इनकी शान में यह आयते तत्हीर नाजिल हुई है। नबी अली सलातु सलाम फरमाते हैं कि जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और नबी अली सलातु सलाम फरमाते हैं जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। बताइए चला कि इनकी मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। क्या बात है, क्या बहुत ही प्यारी बात की है जुल्फिकार भाई इन्होंने। अच्छा मेरे माइंड में एक बहुत ही अहम क्वेश्चन था तो मैं वो ज़रूर आपसे रहनुमाई हासिल करना चाहूँगी उसके बारे में। मुझे बहुत सारे लोग इस मामले में मतलब रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं कि कोई गैर मज़हब के लोग अगर हमें अफ्तारी पर बुलाते हैं तो उनकी अफ्तारी पर हम लोग अगर चले जाते हैं तो वो हो जाती है, और वो एक ही दस्तरखान पर बैठ के अगर हम गैर मज़हब के लोगों के साथ अफ्तारी करते हैं तो क्या रहनुमाई है इसका? देखिए जी, हम गैर मसलक गैर मज़हब के दस्तरखान पे बैठ के उनका जूठा नहीं खा सकते। हम अपना जूठा उनको पिला सकते हैं लेकिन उनका जूठा नहीं खा सकते। उनके दस्तरखान में जो उनके घर में तैयार हुआ है वो हम नहीं खा सकते। शरीयत ने इस बात से मना किया है, हम मुसलमान के घर में जाकर मुसलमान के घर में रोज़ा कर सकते हैं, मुसलमान के दस्तरखान पर बैठ कर मुसलमान के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। काफ़ी के साथ बैठ के खाना खाना शरीयत इस बात से मना करती है। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत आपने आंसर दिया है। हमारे साथ बड़े खूबसूरत सनाखन और बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं और दिल से पढ़ते हैं और बहुत दूर से ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासर मदनी साहब से कि आप हदिया कलाम पेश करें। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम वाह वाह वाह
तने तने اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں کہ جب میدان محشر ہوگا اور ہر طرف ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں کو بیٹے کی فکر نہیں ہوگی، بیٹے کو ماں کی فکر نہیں ہوگی، باپ کو اولاد کی فکر نہیں ہوگی، بہن کو بھائی کی فکر نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر بھی میرے کریم آقا کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ وہ قبر میں بھی آئیں گے اور وہ میدان حشر میں بھی آئیں گے۔ میرے آقا کہاں کہاں پہ ہمیں بچانے آئیں گے، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا۔ یا رسول اللہ ہی انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہی اسما کالنا۔ میرے کریم آقا ہمیں بچانے آئیں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم، میرے الفاظ میرے دل سے نکل رہے ہیں کہ اندازہ لگائیں، وہ قومیں جو کافر ہیں اور ان کا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم جب مر جائیں گے
अब जिंदा हैं तब भी हम सरकार के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं, जब मर के कब्र में भी जाएंगे फिर भी मेरे करीम आका आएंगे, और जब मैदान मैशर होगा तब भी मेरे करीम आका हमें बचाने आएंगे। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का पेश कर रहे थे। खुशकिस्मती है ना हमारी कि हम उनके उम्मत ही हैं। जी बिल्कुल, इसी खुशकिस्मती में तो हम बख्शे जाएंगे इंशाल्लाह, इसी उम्मीद पे तो हम जिंदा हैं। कुछ ऐसे अमल करें कि जब आका के सामने जाएं तो शर्मिंदा ना हो, माशाल्लाह। ये ना हो कि हम आका, पहले हम इतने गुनाहगार, इतने शर्मिंदा, इतने अपने आप में ही नहीं हम हैं कौन, हमें तो खुद भी पता नहीं, कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा, कुछ नहीं है हमारे पास। पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि जो कुछ भी कर रहे हैं माँ बाहशर के दिन, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, किसी ने किसी को पहचानना नहीं है, कौन कौन है, कौन वो कौन है, वो कौन है, किसी को पता नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आज इनका नहीं सोचिए, वो सोचिए जो आगे लेकर जाना है, वो करिए जो आगे सामने दिखाना है कि हम क्या करके आए, अपने नबी की उम्मत हो के हम क्या करके आए हैं। हम इस दुनिया में सिर्फ अय्याशी करने आए थे, हम क्या बहन भाई पालने आए थे, दोस्तियां करने आए थे, या लोगों की बुराइयां करने आए थे, बस गुनाह ही करने आए थे। कुछ ऐसा करिए कि जब नबी पाक के सामने आप जाएं तो ऐसे नहीं फखर से नबी पाक को कहें कि हम ये करके आए हैं, ये करके आए हैं, हम दुनिया में ये किया है हमने। गुनाह नहीं करें, गुनाह से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुनाह जो है सिर्फ दोज़ख का रास्ता दिखाते हैं। फिर नबी पाक के सामने कैसे जाओगे, कैसे सामना करोगे? अच्छा करो, बस आखरत सवारी है, आखरत ही सब कुछ है। ये तो फानी, दुनिया तो फानी है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसी हवाले से एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है अलामा साहब कि मैदान मैशर में तो मेरे करीम आका बचाने आएंगे हमें, और फिर हजूर ने फरमा दिया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अली को देखना इबादत है, जनाब सैदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप सैदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कि आपने कहा कि आप अली को देखते हैं, आपने कहा अली को देखना इबादत है, और फिर फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये अहले बैत की शान है। और एक बड़े खूबसूरत शायर ने, मैं पिछले दिनों में एक बुक पढ़ रहा था और वहाँ पे यही जो हदीस मुबारक है कि सैयदा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसने बड़ी खूबसूरत तशरीह की कि उसने ये जिगर के टुकड़े की जगह पे लिखा कि सरकार ने फरमाया ये मेरा पाराए जहाँ है। पाराए जहाँ, कितना खूबसूरत पाराए जहाँ। अंदाज़ा लगाएं कि वो हजूर की बेटी, बड़ा खूबसूरत इस पे इजमा है शाफी इमामी का भी और के मालकी का कि हजूर मदीना में मदफन है और हजूर के जिस्म अतहर पे के साथ जो मट्टी है वो अर्श मौला से भी अजमत वाली है। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो मट्टी जो हजूर से हजूर के साथ है वो अर्श मौला से भी अजमत वाली है, तो वो शान जिसको मेरे करीम आका पारा है जहाँ कहते थे, उसकी क्या शान होगी। सैयदा की शान के बारे में भी आप कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये हस्ती एक ऐसी हस्ती है, इस हस्ती का जिक्र करने के लिए मेरा, मैं अपनी पहले बात करता हूँ, और हम सुनियों का जो अकीदा है, इस हस्ती का जिक्र करने से पहले इंसान की जबान का पाक होना ज़रूरी है। बेशक ये हस्ती वो हस्ती है कि जिसका नाम नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं रखा बल्कि खुदा ने रखा। अल्लाह, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं मोहम्मद जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता हूँ तो मैं फातिमा के बालों को सूंघता हूँ, मुझे फातिमा के बालों से जन्नत की खुशबू आती है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो सय्यदतुन निसाइल आलमीन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा सारे आलमीन की औरतों की सरदार है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो सय्यदतुन निसाइ अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और इमाम मौलाना रूम ने
मकाला लिखा है बल्कि मनाजरा लिखा है हज़रत अम्मी आशा का और हज़रत शहीदा कायनात का। ये दोनों बैठी हैं, माँ और बेटी बैठी हैं। माँ कहती है कि मेरी फजीलत बहुत ज़्यादा है। बेटी कहने लगी कि मेरी फजीलत बहुत ज़्यादा है। माँ कहती है कि मेरी फजीलत ज़्यादा है, मैं मोहम्मद की बीवी हूँ। हज़रत शहीदा कायनात फरमाती हैं, ऐ अम्मा मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। अल्लाह, वो कहती है मैं मोहम्मद की बीवी हूँ, ये कहती मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। मौलाना रूम लिखते हैं कि ये जब मनाजरा थोड़ा सा आगे चला तो हज़रत शहीदा कायनात फरमाती हैं, शान मेरी ज़्यादा है, मैं सारे आलमीन की औरतों की सरदार हूँ। मकाम मेरा ज़्यादा है, मैं जन्नती औरतों की सरदार हूँ। हज़रत अम्मी आयशा ने जो उस वक्त जुमला कहा वो जुमला बड़ा दिल पर लिखने वाला है। आप फरमाती हैं, ए फातिमा तुमने सुना है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मैदान माशर में नेक बीवियां नेक खामदों के साथ उठाई जाएंगी। जब अली उठेंगे तो तुझे अली के साथ उठाया जाएगा, जब मैं उठूंगी तो मुझे मोहम्मद के साथ उठाया जाएगा। हजरत शहीदा कायनात की आंखों में जब आंसू आ गए तो हजरत अम्मी आयशा ने उस वक्त हजरत शहीदा कायनात को अपने सीने से लगाया, बाल चूमे, रुखसार चूमा। फरमाया आयशा, फरमाने लगी है फातिमा, मैं आयशा की जान तेरे कदमों पे कुर्बान है, मैं आयशा की जान तेरे कदमों पे कुर्बान है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ लाए घर में तो सईदा कायनात ने यूं बाजू फैला लिए। जब यूं बाजू फैलाए तो हजरत सईदा कायनात बाजू फैला के खड़ी हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए तो सईदा कायनात ने यूं जोर से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, दबाया तो सरकार की जबान से बेटी का लफ्ज नहीं निकला। तो सरकार को उस वक्त अपनी अम्मा अमीना याद आ गई। तो सरकार फरमाते ओ मेरी माँ। तो हजरत सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देख रही है, सवाल करने लगी, वो तो बेटी है, आपने माँ को क्यों याद किया? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब फातिमा ने मोहम्मद को अपने गले से लगाया तो मोहम्मद को अपनी अम्मा याद आ गई, मोहम्मद को माँ याद आ गई। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब फातिमा मुझसे मिलती है तो मुझे बेटी का भी प्यार मिल जाता है, मुझे माँ का प्यार भी मिल जाता है। क्या खूबसूरत बात की आपने। और सैयदा कायनात की शान वराउल वरा है, तैयबा ताहिरा की शान में एक खूबसूरत कलाम हमारे भाई इमरान हसन कादरी साहब पढ़ते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सैयदा की बारगाह में आप ज़रूर हाजिरी लगवाएं। मैं कथा कलामी बाप से इंशाल्लाह ये कलाम सुनने का मज़ा आएगा, जो मैं मंजर थोड़ा सा बयान कर लूँ वो रह गया था थोड़ा सा, मुझे डर भी रहता है क्योंकि वक़्त बड़ा मुख्तसर होता है। और मैदान माशर में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्मा हवा की सवारी आएगी, आवाज़ नहीं आएगी। अल्लाह, अम्मा आसिया की सवारी आएगी, आवाज़ नहीं आएगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा मरियम की सवारी आएगी, आवाज़ नहीं आएगी। जब मेरी बेटी फातिमा की सवारी मैदान माशर में आएगी, आवाज़ आएगी। अल्लाह, और नबियों रसूलों और नबियों की उम्मतों और नबी के गुलामों सारे अपनी नजरों को झुका लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। बटता है कायनात में सदका, बतूल का सुल्तान दो जहान है बाबा, बतूल के लिए हम सब के लिए। सच है कि मेरी अम्मा भी उनकी कनीज है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सच है कि मेरी
उनकी कनीज है, मेरा है बाप दादा भी मंगता बतूल का, मेरा भी बाप दादा है मंगता कादरी साहब सैयदा की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे, और जो भी उस दर पे जाता है भीख मांगता है, ये वो दर है जहाँ पे एक बार इंसान मांगता है तो दोबारा नहीं मांगना पड़ता, ये वो दर है। हमारे साथ तैतुल लफ्ज़ में बड़े खूबसूरत अंदाज़ में हदिया कलाम पेश करते हैं मदनी डेकोरेशन, ये खूबसूरत हमारे साथ स्पॉन्सर किया है भाई मोहम्मद हाफ़िज़ वसीम कादरी साहब, जिससे गुजारिश करते हैं कि आप हदिया कलाम पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जो शख्स मुझ पर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है वो शख्स तब तक मर नहीं सकता जब तक जन्नत में अपना घर न देख ले। रमजानुल मुबारक का महीना है, इस महीने में दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि जर्रा जर्रा
दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, मेरे नबी बे लोगो मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है, मेरे नबी बे लोगो मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। क्योंकि आज जो मौजू है वो जिक्र अहले बैत का मौजू है। ज़ुल्फ़िकार भाई और आलामा साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, इसी ही मौजू को मैं इंशाल्लाह चंद अशआर की सूरत में आगे लेके चलता हूँ। बड़ी मोहब्बत से समाप्त कीजिएगा कि कुरान अली से जुदा नहीं, कुरान अली से जुदा नहीं। अरे जिसने कुरान का दामन छोड़ दिया उसने अली का दामन छोड़ दिया, जिसने अली का दामन छोड़ दिया उसने कुरान से राब्ता तोड़ दिया। अरे कुरान अली से है और अली कुरान से है, क्योंकि अली आईने कुरान है। कुरान में है, मौला अली फरमाते हैं कि सारा कुरान सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा का सारा इलम बिस्मिल्लाह में है और बिस्मिल्लाह का सारा इलम बा के नुक्ते में है। और ऐ लोगो जान लो वो बा का नुक्ता मैं खुद अली हूँ, वो बा का नुक्ता मैं खुद अली हूँ। तो फिर ये कहना पड़ेगा कि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग्ज चेहरा बिगाड़ देता है, और अली के इश्क को अदना ना समझ है मुनकिर। अली तो वो है, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। क्योंकि मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परख ना हो किसी को तो या हुसैन पढ़ो, ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है, ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है। क्योंकि कुछ उसका मनसब भी था इमामत, कुछ उसका लहजा भी मतीन होगा। खुदा ने बनाए मसूम ऐसे के असमतों का अमीन होगा, लुआबे सरवर लहू अली का और बतूल की गोद, ये सारी चीजें मिला के देखो मेरा हुसैन कितना हसीन होगा, मेरा हुसैन कितना हसीन होगा। मस्जिद नबवी में मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं, मेरे हुसैन पाक मेरे आका की पुश्त पर आकर बैठ जाते हैं। और लिखने वाले ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि तहारतों के मुकद्दस का जैन बैठा है, तहारतों के मुकद्दस का जैन बैठा है, मेरे बतूल के जीवन का चैन बैठा है। और मेरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। क्योंकि मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान ये खूने बतूल है। और कितनी अजीम जात है मौला हुसैन की, जिनके लिए हजूर के सजदों की तूल है, और जिसके लिए इतने सितम किए यजीद ने, अरे वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल है, अरे वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। क्योंकि अर्श आजम पे रसूल अजली लिखा है, अर्श आजम पे रसूल अजली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन कली पे जहरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है, पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन इस पर इस वक्त हमारे स्टूडियो में रूहानियत जैसा माहौल बन चुका है और सुभान अल्लाह हर तरफ मदीने की फ़जाएँ मुअत्तर हो रही हैं। यहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन बिल्कुल जारी है, छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहें रहमान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन।
حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان المبارک میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزہ ڈھال ہے۔ جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فوج کلامی کرے اور نہ جھگڑے، اور اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے، میں روزے سے ہوں، قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، ایک فرحت افطار جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا۔ LA 301 R Block Lalik Chowk DH Lahore for contact 042-357-44781 up to 2 Subhu bada min talaatihi wal laylu daja min wa Noor e Sahar Ramzan ul Mubarak ka pehla ashra رحمت کا، نورِ سحر چہرے سے دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا، زلفوں سے اللہ اللہ سحری ایک انمول عبادت ہے، ماہ رمضان کی تمام سحریاں نور سحر میں عباس علی اشرف اور حافظ کامران نقشبندی کے ساتھ۔ اللہ اللہ رابطہ پاک فوج کی محبت سے، نہ گھبرائیں گے اپنے دشمن سے ہم، چاہے لشکر ہو اپنا نہایت قلی، مظلوم کی فریاد This Ramadan. Welcome, O Ramadan. Ramadan, the month of blessings. Suhur, iftar, taraweeh, Laylatul Qadr, aitikaf, Eid ul Fitr.
and many other practices that Prophet Muhammad, peace be upon him, did in this month of fasting. I'll be there for you throughout this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this month of Ramadan. Ramadan, a date with Dr. Zakir Naik, exclusively on Royal News. इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम वअंता खैरुर रहीमीन। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। कैनन वाटर डिस्पेंसर, जो दे आपको फौरन ठंडा पानी। बड़े फ्रिज और हैवी ड्यूटी कंप्रेसर के साथ कैनन वाटर डिस्पेंसर, अब तीन मुख्तलिफ रंगों में। हदीसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत बयान करते हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरोज हुए और फरमाया, आमीन आमीन आमीन। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह, क्या वजह है कि जब आप मिंबर पर जलवागर हुए हैं तो आपने कहा आमीन आमीन आमीन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जिब्रील अमीन मेरे पास आए और कहा, जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और उसकी बख्शिश ना हो और वो दोज़ख में दाखिल हो जाए तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर करे। जिब्राइल ने मुझसे कहा, आप इस पर आमीन कहें। बस मैंने आमीन कहा और जिब्राइल ने कहा, जिसने अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश ना आया और मर गया तो जहन्नम की आग में दाखिल हो गया, अल्लाह ताला उसे अपने रहमत से दूर करें। आप इस पर आमीन कहें। बस मैंने आमीन कहा। फिर कहा कि वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र किया गया और उसने आप पर दुरूद ना भेजा और वो मर गया तो वो जहन्नम की आग में दाखिल हो गया, बस अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर करें। आप इस पर आमीन कहें। तो मैंने इस पर भी आमीन कहा। तहकीक पर मबनी जावियों के साथ माजी याद रखकर हाल और मुस्तकबिल पर कड़ी नजर के साथ साहिब इक्तदार और सियासत, रेवेन्यू और कानून, ताजरों के हकूक और उनका तहफ्फुज़, मेरे और आपके मसाइल कब हल होंगे? हम करेंगे बात प्रोग्राम लाइव विद नईम सिद्दीकी में। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है।
اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آیا, اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں, اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے. جو اس کے ثواب سے محروم کر دیا گیا وہ گویا ہر خیر سے ہی محروم کر دیا گیا. Canon water dispenser جو دے آپ کو فوراً ٹھنڈا پانی, بڑے فریج اور ہیوی ڈیوٹی کمپریسر کے ساتھ. کینن واٹر ڈسپینسر اب تین مختلف رنگوں میں. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. اور میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں.
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس مبارک رمضان کا پہلا عشرا باعث رحمت ہے۔ اللہم اغفر وارحم خير الراحمين۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ جدھر وہ عالی مقام ہو۔ डिस्पेंसर जो दे आपको फौरन ठंडा पानी, बड़े फ्रिज और हैवी ड्यूटी कंप्रेसर के साथ। कैनन वाटर डिस्पेंसर अब तीन मुख्तलिफ रंगों में। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم کر دیا گیا وہ گویا ہر خیر سے ہی محروم کر دیا گیا۔ سلطانیہ
Ghazi Khan. Call 0342-24-22424, 0312-026-3331. صبح بدا من طالعته والليل دجى نور سحر رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا نور سحر چہرے سے دوسرا عشرہ مغفرت کا تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا زلفوں سے اللہ اللہ سحری ایک انمول عبادت ہے اللہ ماہ رمضان کی تمام سحریاں نور سحر میں عباس علی اشرف اور حافظ کامران نقشبندی کے ساتھ اللہ اللہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امام زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ Canon water dispenser جو دے آپ کو فوراً ٹھنڈا پانی، بڑے فریج اور ہیوی ڈیوٹی کمپریسر کے ساتھ۔ کینن واٹر ڈسپینسر اب 3 مختلف رنگوں میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ہوتا کیا رہا ہے؟ شام 7:05 پر صرف رائل نیوز۔ اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ جدھر وہ علی مقام ہوگا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف تقریر، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ کہاں ہیں وہ وزیر جو کہتے تھے کہ ایک بلڈنگ بھی نہیں گرائیں گے؟ میئر کراچی نے بھی عمارتیں نہ گرانے کا بیان دیا۔ کے پی ٹی، واٹر بورڈ اور دیگر اداروں کو زمینیں بیچنے کے لیے نہیں دی گئیں، یہ لنگر کب شروع کیا گیا؟ شہر میں بجلی، پانی، اسپتال نہیں اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔
this Ramadan. Welcome, O Ramadan. Ramadan, the month of blessings. Suhr, Iftar, Taraweeh, Laylatul Qadr, Aitikaf, Eid al-Fitr, and many other practices that Prophet Muhammad, peace be upon him, did in this month of fasting. I'll be there for you throughout this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this month of Ramadan. Ramadan, a date with Dr. Zakir Naik, exclusively on Royal News. रहीम वेलकम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन और ये सहरी की हमारा वक्फा था। हम दोबारा हाज़िर हैं। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन आज शब्बे जुमा है और शब्बे जुमा के हवाले से फजीलत पे हम बात कर रहे हैं और अहले बैत की शान के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ बड़े खूबसूरत सना खान इस खूबसूरत पैनल में मौजूद हैं। मैं हमारे दो ज्वाइनिंग नए सना खान मोहम्मद फैज़ान और मोहम्मद वकास भाई हमारे साथ ज्वाइनिंग की है। इंशाल्लाह इनसे भी हम अदिया कलाम लेंगे। आप कुछ कहना चाह रही? अली बेनियाज का बेनियाज नामिंदा है, अली बेनियाज का बेनियाज नामिंदा है। कोई माने अली तब भी अली है, कोई ना माने अली तब भी अली है। तेरे पहन लेने से अली भरता नहीं, तेरे पहन लेने से अली भरता नहीं, तेरे ना पढ़ने से अली घटता नहीं। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, और जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। जब जिक्र अहले बैत होता है तो इंसान को एक हिम्मत, एक सब्र और एक ताकत सी आ जाती है। पता नहीं ये हिम्मत क्या कुछ करने को मजबूर करती है। मुझे आपसे अलवर साहब, मुझे आपसे सवाल करना है, पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपने कोई तारुफ करवाना था, पहले वो करवा लीजिए फिर मैं सवाल करती हूँ। मेरे ख्याल से ये माइक में कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही। जी, इनका नाम है वकास लक्ष्मणदी साहब, हमारे साथ बहुत ही प्यारे सना खान मौजूद हैं और लक्ष्मणदी साहब खुशामदीद कहते हैं अपने ट्रांसमिशन में, और इन्हीं से हम गुजारिश करते हैं कि आप अदिया कलाम पेश करें। काश में दो रे पयम उठाया के लाया जाता सरे तेरे पार
की तरह हुक्म पैवन कि मैं आजाद कराया जाता, हुक्म पैवन कि मैं आजाद कराया पढ़ाया जाता।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बाखुदा सरकार के कदमों में पाया जाता है। ज़बरदस्त, बहुत माशाल्लाह प्यारी आपने पढ़ी है। अब मैं फराज सत्तारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनको कहूँगी कि आप भी कुछ हदिया। और फराज सत्तारी साहब ये भी बताएं कौन सा कलाम आप पेश कर रहे हैं। अहले बैत पाक के हवाले से आज मौजू भी है जी, जी। तो मैं वही पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का लिखा हुआ सुभान अल्लाह बड़ा ही मशहूर कलाम है, मिलकर आप इसमें लगे एक मैं ही नहीं पर कुर्बान जमाना है, जमाना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब दो आलम का सीरा
साहिल तो बुढ़ाना है। हा, जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम ख्वाजा नसीरुद्दीन निजामतुल्लाह अलैह का पेश कर रहे थे माशाल्लाह। और ये अहले बैत से मोहब्बत का इजहार है कि आओ दरे ज़हरा पर, वाह 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 वाह, वो दर, वाह वाह। मैं अलामा साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हम बात करते हैं कि अली को देखना इबादत है, अली को तकना इबादत है, अली का नाम लेना इबादत है, क्या इस पर भी कोई डिटेल में दलील है? इस पर ज़रा वज़ाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अज़िक्रु अलीन इबादा। नबी अलैहि सल्लतु वसलाम ने फरमाया कि अली का जिक्र करना इबादत है। सुभान अल्लाह। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शफाअती लिउम्मती मन अहब्बा अलीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं कल क़यामत के दिन उस बंदे की शफ़ात करूँगा जो मेरे अली से मोहब्बत करता होगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शफाअती लिउम्मती मन अहब्बा अहलल बैती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ात करूँगा जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करता होगा। और आज जो आपने सवाल किया है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि अली का जिक्र करना इबादत नहीं, सिर्फ इबादत वो है जिसमें नमाज है, क़याम है, रुकू है, सजदा है। हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर रमुल्लाह वजहुल करीम की तरफ मोहब्बत से देख रहे हैं, इतने प्यार से देख रहे हैं, इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से देख रहे हैं। हज़रत अम्मी आयशा ने हुजरे का पर्दा हटाया तो देखा कि बाबा अबू बकर अली के चेहरे को देख रहे हैं, अली के चेहरे को देख रहे हैं। और जब हज़रत अबू बकर घर तशरीफ़ लाए ना तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अर्ज़ करने लगी बाबा आज मैंने देखा कि आप इतने मोहब्बत भरे लहजे में मौला अली के चेहरे को देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हज़रत अबू बकर सदीक फरमाते हैं आयशा अभी मैं रसूलुल्लाह की कचहरी से उठ के आ रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे अली को देखेगा वो इबादत करेगा। और हुजूर ने फरमाया जो अली का जिक्र करेगा वो इबादत करेगा। और यहाँ मैं एक जुमला आपके नज़र करना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग बैठे हैं और जितने हमारे प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो ये जुमला सुनकर सारे लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे कि मेराज की रात जब नबी अलैहिस्सलाम उम्मेहानी के घर से आए मक्के में, मक्के से बैतुलमुक़द्दस, और बैतुलमुक़द्दस से जब मेराज का सफ़र शुरू हुआ ना तो पहले आसमां को क्रॉस किया, फिर दूसरे को क्रॉस किया, फिर तीसरे आसमां को क्रॉस किया, फिर चौथे आसमां पर जब पहुँचे तो शबी अली मुर्तज़ा को देखा। नबी अलैहिस्सलाम खुश हुए, आप खुश हुए, और हज़रत जबरील अमीन से सवाल किया जबरील क्या अली मेरे से पहले आ गया? हज़रत जबरील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अली आपसे पहले नहीं आया, जब से रब्बे ज़ुल जलाल ने ये कायनात को बनाया है, ज़मीन व आसमां को बनाया, इस चौथे आसमां पे शबी अली मुर्तज़ा का एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जिसके सामने 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो सब भी होना हो वह यू कबीर होना अल्लाह की तस्बीह बयान करते और अल्लाह की तकबीर को बुलंद कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सवाल किया ए जबरील क्या इस तस्बीह का फायदा किसको पहुंच रहा है? उस वक्त जो हजरत जबरील अमीन ने यह जुमला इरशाद फरमाया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये फरिश्ते जितने भी तस्बीह कर रहे हैं कयामत तक चौथे आसमां पर फरिश्ते अली की तस्बीह को और अली की सूरत को देखकर जो अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तकबीर को बुलंद कर रहे हैं, उस सारी तस्बीह का सवाब, सारी तकबीरात का सवाब रब्बे जुल जलाल अली से मोहब्बत करने वालों को उनके नामे अमाल में दर्ज फरमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की। इलामा साहब से मैं भी एक सवाल करना चाह रही हूँ। इलामा साहब मुझे ये बताइए इस साल सवाब क्या है, कुरान की हदीस में ये रोशनी डाली है इस पर। और मुझे एक और बात याद आ रही है, वो भी मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में आती थी बट मैं जहन से निकल जाती थी अचानक से। मुझे ये बताइए ये जो हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं क्या ये हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये ज़रा मुझे तफसील से बताइए क्योंकि मेरे लिए भी अच्छा है और हमारे सुनने देखने वालों के लिए भी अच्छा है। ये जी बहुत अच्छा सवाल हमारी बहन ने किया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल। और ये सवाल सुन के हमें बड़ी खुशी हुई है कि
इनके सवाल करने से काफ़ी लोगों के नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, इलम में इजाफा हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनकता मालहु इल्ला मिन सलासतिन औ सदकतिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़ऊ बिही औ वलदिन सालिहिन यदू लहु। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इंसान दुनिया से चला जाता है उसके दुनियावी अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, यानी कि काट दिए जाते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के मरने के बाद तीन अमल ऐसे हैं जो उसके मरने के बाद जारी रहते हैं, इल्ला मिन सलासतिन औ सदकतिन जारियतिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला अमल है सदका जारिया। हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में रहकर जिसने कोई सदका जारिया किया, सदका किया, मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया, किसी गरीब का घर बना दिया, किसी के घर गरीब के घर में पंखा लगवा दिया, या पानी का बंदोबस्त नहीं पानी का बंदोबस्त करवा दिया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सदका जारिया है। सरकार फरमाते हैं कि मरने के बाद जब तक वो सदका जारिया कायम रहेगा मरने वाले को उसका फ़ायदा पहुंचता रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ इल्मिन युन्तफ़ो बिही, ऐसा इलम दुनिया में रहकर अगर किसी ने कोई पढ़ाया, पढ़ाने वाला चला गया, पढ़ने वाला जिंदा रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक वो पढ़ता रहेगा पढ़ाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का तीसरा जुज है औ वलदिन सालिहिन यदुलहु। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के चले जाने के बाद नेक और साले औलाद जब जब दुआ करेगी रब्बे जुल जलाल उनकी दुआ को कबूल फरमाएगा और उसका दुआ का फ़ायदा जो है वो मरने वाले को होता रहेगा। दूसरे सवाल का जुज जो इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुंतुन हैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूरी फ़ज़ूरुहा, कि मैंने तुम्हें मना किया था, अब मैं मोहम्मद इजाज़त देता हूँ कब्रों की ज़ियारत किया करो। और नबी अलैहिस्सलाम शबे बरात की रात यानी कि लैलतुत तौबा की रात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए, और नबी अलैहिस्सलाम जुम्मतुल मुबारक के दिन भी कब्रिस्तान गए। नबी अलैहिस्सलाम अपने चाचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र में कब्र मुबारक पर भी गए, और हुज़ूर के तरीक़ा से ये बात वाज़ेह होती है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने मना किया था, अब मैं मोहम्मद इजाज़त देता हूँ कब्रों की ज़ियारत किया करो। और नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि अबू हुरैरा सहाबा को इकट्ठा करो। जब इकट्ठा किया गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ सारे शहदाए उहद की कब्रों पर चलते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को लिया और सहाबा की कब्रों पर गए, सैयद शहदा सैयदना अमीर हमजा की कब्र पर गए, अल्लाह के नबी ने जाकर सलाम लिया। नबी का फिल कौम की तलीम है। अब यहाँ एक नुक्ता मैं पेश कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र पे जाकर कब्र वालों को सलाम कहा। आज लोग तो नबी के सलाम का इनकार करते हैं कि नबी पे दरूद नहीं पढ़ना चाहिए, नबी पे सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम अपने चाचे की कब्र पे जाकर सलाम ले रहे हैं और नबी का फेल कौम की तलीम है। सहाबा ने सवाल किया रसूलल्लाह आपने सलाम लिया, आज से कब्र नहीं लिया, क्या ये जिंदा है? उस वक्त अलहाजुलकार कब्र फरीदी साहब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशहदु अन्नकुम अहयाउन इंदल्लाहि फ़ज़ूरुहुम वसल्लिमु अलैहिम फवल्लज़ी नफ्सी बियादिही ला युसल्लिमु अलैहि अहदुन इल्ला रद्दुन अलैहि ला यौमिल क़ियामती। सरकार फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ इंदल्लाहि अल्लाह के हुक्म से अहयाउन ये जिंदा है, फ़ज़ूरुहुम पस इनकी ज़ियारत करो, वसल्लिमु अलैहिम अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन पर सलाम कहो, इन पर सलाम कहो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत के अंदर मैं मोहम्मद की जान है, ऐ मेरे सहाबा कयामत तक जो आकर इनको सलाम कहेगा या उसके सलाम का जवाब देते रहेंगे आप सारे लोग लुत्फ अंदोज हो जाओगे। इस नुक्ते पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत तक अगर गुलाम को कयामत तक सलाम किया जाए तो गुलाम सलाम का जवाब दे सकता है। तो जिस नबी के सदके उस गुलाम को यह मकाम मिला है उस नबी की अपनी शान का आलम क्या होगा। वाह 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 सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो हमारा अकीदा है और हमें यकीन है कि हमारे अकायद भी ऐसे मजबूत हैं कि इंशाल्लाह हमें आखरत में हमारी कब्र में करीमा कहाँ आएंगे। यकीन करें अगर आपके अकीदे मजबूत हो गए तो, और क्योंकि अकीदत मजबूत होगी तो अकीदा मजबूत होगा। ये एक बड़ी अहम ज़रूरत है हमारी और ये हमें यकीन रखना चाहिए, हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए कि मरने के बाद करीमा का हमारी कब्र में आएंगे और इंशाल्लाह मैदान महशर में भी वो हमें बचाएंगे। हमारे साथ बड़े खूबसूरत सना खान मौजूद हैं, वकास फरीदी साहब।
मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप हदिया कलाम पेश करें। तेरी भीख
پر مجھے ناز ہے تیری بھیگ پر گی پلا ہوں میں مجھے بھیگ دو مجھے بھی دو ہم سبھی حضور کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں اللہ کریم اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو ہمارے آس پاس ضرورت مند ہیں جو اس آس پہ بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا کہیں سے آئے گا اپنے دسترخوان کو آپ سجاتے ہیں اس دسترخوان میں اتنی چیزیں رکھیں جتنی آپ کھا لیں اتنی نہ زیادہ رکھیں کہ اس میں بچ جائیں یہ سوچیں کہ جو لوگ ایک کھجور کے لیے ترس رہے ہیں دودھ کے لیے ترس رہے ہیں ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اس رمضان المبارک میں ان کا بھی خیال رکھیے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان المبارک میں یقین مانیں اس ماہ مبارک میں ایک ایک چیز کا ستر ستر گنا ثواب ہے تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے آپ کا ایک روپے بھی بہت قیمتی ہے اس ماہ مبارک میں کوشش کیجئے کہ ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جن کو آپ کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ آخر میں ایک بڑے اور خوبصورت ثناخوان ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا بھائی یاسر مدنی صاحب سے کہ آپ بھی ہدیہ کلام پیش کریں خصوصی طور پر جی
परवरदिगार ने मेरे सोने मोहम्मद को इसलिए दिया है कि उनके आगे इल्तजा करें, वही कर्म करेंगे, उन्हीं का वसीला है जो हम फिर कर्म करता है। हमारे साथ पेशावर से इमरान हसन कादरी साहब आए हैं, तो मानूर और जंदल ये क्योंकि पेशावर से आए हैं तो हम इनसे पश्तो में भी सुनना चाहेंगे कलाम। माशाल्लाह, कोई ऐसा कलाम सुनाए पश्तो में जो आप जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुनने वाले। मैं बिल्कुल नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक कलाम पूरी दुनिया में पहचान मिली। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे नुसरवरे सुल्तान दे
अच्छे हैं। जुल्फिकार भाई, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से सुई गिरी, अंधेरा था ना मिली, हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर तबस्सुम फरमाया, कैफियत बदल गई। शायर ने लिखा के मोर बीबी स्तन पसे योश पे गरजे पाक रसूल उसके शुरो पाक रसूल उसके शुरो स्तनु जले दला बीबी आयशा के हाथ से जब थी सुई खो गई। अरे मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गए। तो बीबी ने फरमाया कि तलवाए महबूब है, अरे तलवाए महबूब है या चौदवी का चा है, बाबा सुमरा है स्तान भी सुल्तान दे, बाबा सुमरा है स्तान भी सुल्तान दे। और ये एक नया शेर मैं पेश कर रहा हूँ, इससे पहले किसी चैनल पे भी नहीं पढ़ा और किसी महफिल में भी नहीं पढ़ा, आज राय टीवी पे मैं पेश कर रहा हूँ कि कई हजारा आपनू देंदे सलामी आण के चुमदा जिब्राईल तलिया सोना मुर्शिद जान के के कुदसिया दा शहनशाह माशाल्लाह। जुल्फकार भाई, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी जिक्र इलाही हो, जब भी किसी भी जुबान में हम समझते हैं कि हमें चैलेंज, वैसे अगर आप पश्तो में अगर गाना गाते या कोई बात करते तो हमें समझ नहीं आती, जब आपने ये जिक्र किया है, ये जो पढ़ा है आपने, एक एक अल्फाज हमें ऐसे पता चल रहा था जैसे उर्दू और पंजाबी में बोला रहा था जी। इसके साथ ही हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आज की हमारी ट्रांसमिशन का वक्त इख्तिताम पर पहुंच चुका है। जाते जाते यही कहूंगी, माह रमज़ान का आज पहला जुमातुल मुबारक है, आज अल्लाह ताला लाखों को बख्शेगा। आओ सब मिलके दुआ करें, उन लाखों में आपका नाम भी हो और हमारा भी नाम हो। आमीन सुम्मा आमीन। Allah Hafiz. रवायत का 40 साल से हर घर की जीनत, किचन हुड, हॉब और बिल्ट इन ओवन, इलेक्ट्रिक और गैस डबल फंक्शन टेक्नोलॉजी के साथ कैनन चले साल हर साल, कारकर्दगी बेमिसाल।
कुर्बानियां। खान कॉल 0342-242-424 0312-026-3331। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रमज़ान मुबारक में बहालत ईमान सवाब की नियत से क़याम करेगा तो उसके सादका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। Down LA 301 R Block Lalik Chowk DH Lahore for contact 0423574781 up to 2 Hadith e Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی اللہ تعالی کا ارشاد ہے انسان کا ہر عمل उसी के लिए है सिवाय रोज़े के, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला देता हूँ और रोज़ा ढाल है। जिस रोज़ तुम में से कोई रोज़े से हो तो ना फौज कलामी करे और ना झगड़े, और अगर उसे कोई गाली दे या उससे लड़े तो वो ये कह दे, मैं रोज़े से हूँ, कसम है ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं जिनसे उसे फरहत होती है, एक फरहत अफ्तार जब वो रोज़ा अफ्तार करता है, और दूसरी फरहत दीदार कि जब वो अपने रब से मिलेगा तो अपने रोज़े के बाइस खुश होगा। الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وافاته نور سحر رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا نور سحر چہرے سے دوسرا عشرہ مغفرت کا
تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا سے اللہ اللہ سحری ایک انمول عبادت ہے اللہ ماہ رمضان کی تمام سحریاں نور سحر میں عباس علی اشرف اور حافظ کامران نقشبندی کے ساتھ اللہ اللہ پاک فوج کی محبت سے نہ گھبرائیں گے اپنے دشمن سے ہم چاہے لشکر ہو اپنا نہایت پلی مظلوم کی فریاد سے This Ramadan. Welcome, O Ramadan, the month of blessings. Suhoor, Iftar, Taraweeh, Laylatul Qadr, Aitikaf, Eid al-Fitr, and many other practices that Prophet Muhammad, peace be upon him, did in this month of fasting. I'll be there for you throughout this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward worthy. Share a date with me every day throughout this month of Ramadan. Ramadan, a date with Dr. Zakir Naik, exclusively on Royal News. This Mubarak Ramzan ka pehla ashra, baise rehmat hai. Allahumma ghafir wa rahim wa anta khayru. اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے جدھر وہ عالی مقام ہوگا سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف تقریر وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کہاں ہیں وہ وزیر جو کہتے تھے کہ ایک بلڈنگ بھی نہیں گرائیں گے میئر کراچی نے بھی عمارتیں نہ گرانے کا بیان دیا کے پی ٹی واٹر بورڈ اور دیگر اداروں کو زمینیں بیچنے کے لیے نہیں دی گئیں یہ لنگر کب شروع کیا گیا شہر میں بجلی پانی اسپتال نہیں اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے جدھر وہ عالی مقام ہوگا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तुम्हारे पास माह रमजानुल मुबारक आया, अल्लाह ताला ने तुम पर इसके रोजे फर्ज किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह ताला की इबादत और उसकी रजा हासिल करने के लिए इस माह में एक ऐसी रात है जो हजार रातों से अफजल है। जो इसके सवाब से महरूम कर दिया गया वो गोया हर खैर से ही महरूम कर दिया गया। कैनन वाटर डिस्पेंसर जो दे आपको फौरन ठंडा पानी, बड़े फ्रिज और हैवी ड्यूटी कंप्रेसर के साथ। कैनन वाटर डिस्पेंसर अब तीन मुख्तलिफ रंगों में। सुल्तानिया Call 0342-242-224, 0312-026-3331.